और वहाँ लोग पागल हो जाते हैं हाथ काट रहे हैं धमकिया दे रहे हैं लड़ाइया कर रहे हैं एंगर जिस लड़की के साथ ये ये आया था वो छोड़ <laughs> <बहुं> था <मेरे। laughs> <कर> <laughs> <laughs> वो छोड़ के चले चले गए गए अपने दोस्तों फिर कह रहा है तो को लड़िया ही नहीं मिलती हैं कौन लड़का मना करेगा भाई रोज तुम्हें नई लड़की चाहिए हाँ चाहिए भाई वुमन का ऐसा नहीं होता है शी माइट फाइंड यू क्यूट बट शी वुड वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू लड़कों को लगता है प्रपोज करेंगे सीधा टॉप अट्रैक्शन हो जाएगा डन नहीं होता है बाद में डाल दिया वीडियो चली गई हंड्रेड के व्यूज पे कहते हैं वी आर नॉट कंफर्टेबल हटा दो टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट मैं हूं सिद्धांत विद माय को होस्ट सनी एंड आज हमारे साथ एक वेल नोन पर्सनल डेवलपमेंट एंड डेटिंग कोच शितिज रावत मौजूद हैं ए के आयरन मैन लाइफ तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव टू द पॉडकास्ट तो शितिज भाई वेलकम टू द अनफिल्टर रियालिटी पॉडकास्ट

तो मैंने ना मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तू लड़की का नंबर ले ले बस तो सीन सेट हो जाएगा तो मैं जिस भी लड़की से मिलता उसका नंबर ले लेता था, था और उसको संता बनता के जो फॉरवर्ड करता था <laughs> भाई तीन महीने में फिर उनको फोन करता था तो बोलता था और क्या खाया <laughs> 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 कौन सी क्लासेस हुई <laughs> कॉलेज में स्मॉल <laughs> टॉक <laughs> <laughs> और जब सामने मिले तो मेरे फेस लाल हो गए कुछ बोल नहीं पा <laughs> रहा हूँ तो तीन <laughs> महीने में सबने बोला यार ये लड़का बहुत कृपी है <laughs> <laughs> और मेरे को अपने कॉलेज में नहीं पता चला मेरा एक दोस्त जो दूसरे कॉलेज में था उसने बताया तेरे कॉलेज की लड़कियां मिली हैं और बोल रही तू बहुत क्रीपी है मैंने बोला भाई कुछ करना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा है मुझे और जो भी एडवाइस थी ना आसपास कुछ मिलती नहीं थी तो मैंने ढूंढा भाई लव गुरु ऑनलाइन इंडिया तो एक वो रेडियो वाला आया मैं आपका लव गुरु हूं ऐसे <laughs> रात के दो बजे बात करता है ना <laughs> मैं आपका लव गुरु मैं तो भाई कोई ढंग की एडवाइस नहीं मिली तो आई कि यार ये चाहिए मुझे तो किसी तरह इंटरनेशनल बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी तो वो देख के मैं बाहर जाने लग गया क्लब्स एंड मॉल्स वगैरह में तो ब्रो मैंने देखा कि मैं यार ये बाहर हो रहा है यहाँ भी हो सकता है बट फटती इतनी थी इंडिया में आप लड़की हाँ। तो बहुत अभी भी ऑकवर्ड ही होता हूँ बस मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है तुम्हें कि नहीं हो रहा हूँ मैं बट अंदर से ऑकवर्डनेस तो रहती नहीं यार अब तो नहीं होता मतलब थोड़ा सा होता है इट्स नॉट एज मच कार उतना भी नहीं उतना भी नहीं है मतलब इट जस्ट यार हमेशा ना देर इज लाइक जैसे अगर तू बोलेगा चलो भाई अप्रोच करने चलेंगे <laughs> अभी बोलेगा अभी जा रहे हैं जैसे अभी पे आई थी मतलब होता है यार जैसे जैसे <laughs> तो हम बॉडी के लिए वार्म अप करते हैं फिटनेस के पहले सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल उसके पहले थोड़ा वार्म करना होता है शुरू की दो तीन अप्रोचेस कर लूँ बिना सोचे समझे तो मैं थोड़ा जोन में आ जाऊंगा क्योंकि दिमाग में हमेशा रहता है यार क्या हो जाए कुछ हो जाए और ऊपर से अब अगर मैं क्लाइंस के साथ जा रहा हूँ तो ऐसा लगता है भाई ये दस साल से कोच है ये तो क्या ही दिखा देंगे एंड आई एम लाइक भाई प्रेशर बहुत है hmm. तो द पॉइंट इज टू गेट योर ईगो डाउन एंड दोबारा उसी में होना था कि भाई लड़कियां हैं तुम्हें रिजेक्ट reject, करेंगी रिजेक्शन डज नॉट मीन गेटिंग रिजेक्टेड समटाइम्स वी विल जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू यू सो इफ आई कीप माय एक्सपेक्टेशन जीरो एकदम कि बस अगर मैंने अप्रोच कर दिया वही सक्सेस है exactly. उसके आगे बात हो या ना हो एक्टली exactly. और उस माइंडसेट की वजह से जब मैं अप्रोच करता हूँ देन थिंग्स डू वर्कआउट क्योंकि मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता yeah. हूं। तो अभी क्लाइंट के सामने जाके अप्रोच करते हैं उनको भाई अभी मतलब अभी काफी कम हो गया सो अभी हम ना बस एनुअली एक या दो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स uh, करते हैं जहां मैं अपने क्लाइंट्स को ले जाता हूँ एंड वहां पर मैं उन्हें दिखाता भी हूँ और फिर

तुम ज्यादा ओल्ड लगते हो स्लिम फिट का टाइम चला गया है तो लूज फिटिंग कपड़े पहना देते हैं उन्हें नॉर्मल स्नीकर्स पहनाते हैं दे लुक डिसेंट वर्सेस एक बंदा जो चेक की शर्ट पहनी हुई है ऐसे टाइट है और बाल ऐसे तेल लगा के आया हुआ है <laughs> तो वो उसको हम दिल्ली में नहीं गेम करा तो सकते हैं तो एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स और okay. भाई भाई उनकी भी भी गलती नहीं है 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 ना क्योंकि भाई सब मिडिल क्लास फैमिली से से आते हैं इसीलिए बोलता है, पढ़ो सालों गरीबी बाहर निकालो पेरेंट्स हाँ। ठीक बट वंस यू मेड द मनी नाउ यूर लोनली अब तुम तो इन चीजों पे काम कर सकते हो and, and that domain जो एकदम unexplored and say, एकदम gender, that, like, एकदम था कम्युनिकेशन एंड लड़कियों से में आपको फेंक दिया आप, हाँ, तो, right.

फैशन उसके बाद उसके बाद भाई उनको हम ना सीधा फेंक देते हैं अप्रोच कराने में मैं, चल अप्रोच। बोलूं क्या? मैं जा पूछ के आ कुछ भी <laughs> तो बंदे <बन्ते> कंफ्यूज <laughs> हो जाते हैं अगर मैं कभी भी लड़की को अप्रोच करता हूँ ना मुझे पता नहीं होता मैं क्या बोलने वाला हूँ <laughs> तो तब नेचुरली मेरी पर्सनैलिटी निकल के आती है ठीक है एंड अगर तुम टाइम डाल रहे हो ना सोचने में यार अप्रोच करने के सोचना है मुझे क्या परफेक्ट बोलूंगा

तो वो भी बहुत वर्क करता है जबकि लोगों को लगता है वर्क करेगा नहीं सिंपल प्लेन बहुत सिंपल प्लेन भाई मेरे को कुछ पसंद आया हाँ या फिर थोड़ा इंडरेक्ट कर सकते हैं लाइक योर शूज लाइक योर बैग लड़की घूम रही है ऑब्जर्व करके ओपन कर सकते हैं एक्सक्यूज <coughs> मी जैसे यू सी अ गर्ल शी चेकिंग आउट स्टोर्स एंड एवरी थिंग तो तुम बोलोगे हाई यू लुक लाइक यूर हेयर या फिर आई यू विंडो शॉपिंग तो बोलेगी नहीं मैं विंडो शॉपिंग नहीं कर रही हूं मैं ढूंढ ही रही हूँ बस कुछ मिल नहीं रहा है या फिर वो बोलने लगे मैं घर में परेशान थी मैं विंडो शॉपिंग ही कर रही हूँ so कई बार ऐसे भी <coughs> like, कहतीस yes, पता नहीं मैं क्या बोलूं मैं खड़ा हूं <laughs> <इसा, laughs> <इस, laughs> यही होता है कि वो फटती है तब जब ऑकवर्ड साइलेंस हो रहा hmm. था ऑकवर्ड साइलेंस में भी अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत बुरा है देन बुरा है वो ओके इवन से मैंने लड़की से पांच दस मिनट बात करी उसके बाद इट्स वेरी नेचुरली ह्यूमन की भाई ऑकवर्ड साइलेंस आएगा उस टाइम पे मैं बोल देता हूँ कि मैं यार मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं तुम भी बोलो कुछ चुप हो जाता हूँ बट yeah. yeah. वो कुछ बोलेगी नहीं वो एक बात बोलेगी बस एंड विल नॉट टेक द ओनरशिप ऑफ द दर कॉन्वर्सेशन तो वो एक बात बोलेगी वो ये बोलेगी मैं क्या बोलूँ आई डोंट नो तुम ही बताओ तुम ही पूछो बट दैट गिव्स यू द टाइम टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स टू से

सो शी डज नॉट हैव मतलब शी मस्ट बी जस्ट लुकिंग अराउंड या वो दोस्त से मिलने जा रही है या अगर वो फ्री है तो आई वुड देन एंड देर तो और वो भी हम ब्रेक डाउन करते हैं इन लाइक स्मॉल स्मॉल इंस्टेंस जैसे अगर मैं बोलता हूँ लड़की को लेट्स गोन डेट वो कभी नहीं होगा बट अगर हम खड़े मैं बोलूँगा या प्यास लग रही है एक पानी की बॉटल उठा लेता हूँ यहाँ से कम एंड आई सेट लाइक दैट वेरी लीडिंग मैन और शी इज मॉर रेडी टू कम अन्ग तो हम पानी लेते हैं फिर हम जहाँ पर उधर बैठना बैठ जाते हैं मे बी वी वॉक अराउंडो फिगर आउट हो लॉजिस्टिक्स बेसिकली वो अभी क्या कर रही है कितना टाइम है मेरे पास और आगे क्या करना है उसको इस चीज लाइक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यार मैं एक्चुअली ना कल जा रही हूँ और आज मेरा लास्ट डे है mm -hmm. तो हम पूरे दिन साथ रहेंगे हम रात को क्लब जाएंगे एंड देन रात को भी घर जाएंगे बट इस चीज लाइक यार मेरे को घर जाना मैं पेरेंट्स इन दैट केस आई वुक अ फोन नंबर और एन इंस्टाग्राम और लड़की को अप्रोच आप तब करते हो जब लड़की ग्रुप में खड़ी हो और लड़कियों yeah. के साथ या सोलो हो कैसे भी

तो तो उस... तब तब इन ध्यान दे मस्ट हैव बीन हां हां बट यार द पॉइंट इज मतलब आई एम नॉट टू रिमूव इट बिकॉज़ यू ऑलरेडी कंसेंटेड टू इट बट वो कलेश होता है सो आई एट टाइम्स आई रिमूव इट आल्सो ठीक है बट व्हेन आई लुक एट थिंग्स ना मैं ये नहीं देख रहा हूं तो मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं मैं ये देख रहा हूं क्या मुझे वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए दैट कुड बी मेरा करियर या मेरे बिजनेस में मुझे क्या करना या मेरे को किसी लड़की से बात करनी है अगर मुझे लड़की से बात करनी है मुझे नहीं फर्क पड़ता किस सिचुएशन में है आई विल थिंक ऑफ अ स्ट्रेटजी टू मेक इट हैपन तो भाई मैं वो देखता हूँ सो वी टीच गैस टू वन गर्ल हाउ टू टू गर्ल्स लड़की बैठी है खड़ी है चल रही है क्लब में है मॉल में है अपने पेरेंट्स के साथ है अपने बॉयफ्रेंड के साथ है या फिर एक किसी लड़के के साथ है और तुम्हें पता नहीं बॉयफ्रेंड है या क्या है या फिर वो सैड है या वो खुश है आई मीन देर इज एवरी सिचुएशन में मैंने लड़की क्यों से बात करी है पेरेंट्स की सिचुएशन में क्या हुआ भाई पेरेंट्स की सिचुएशन में डिपेंड करता है क्या है राइट right? पेरेंट्स की सिचुएशन में तुम जाके बोलोगे आपकी बेटी बहुत सुंदर है तो वो नहीं वर्क करेगा बट आई हैव आई हैव डन गर्ल इज विद द मदर एंड विव गॉन इन एंड मैंने नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो इन एन आस्क हाँ इफ देर इज अ गर्ल विद हर मदर तुम्हें कभी नॉलेज नहीं करना है कि वो मदर डॉटर हैं ठीक है तुम्हें भाव बढ़ाने मॉम के तो मैं जाके बोलता हूँ यू गैस लुक लाइक सिस्टर्स ठीक है तो वो या मदर बोलती है नो नॉट एड ऑल शी इज माई डॉटर आई एम लाइक रियली यू गैस लुक सोच बिल्कुल ही नहीं यार बिल्कुल <laughs> लगता ही नहीं व्ट्स योर नेम वट्स योर नेम सो ट्रीट दैम लाइक देर इज नॉर्मल गर्ल्स राइट right? um, दोनों से नॉर्मली मिले एंड देन वी कैन गेट द परमिशन ऑफ द मॉम वी कैन बी लाइक एक्चुअली पता है लड़का सही है सीधा है चामिंग है बात करता हूँ <laughs> हाँ, हाँ, हाँ. एक बार ऐसे भी हुआ था भाई सही हाँ huh? सही आंटी दो मिनट साइड में वेट करती है <laughs> उस दो मिनट में, में बात करता हूँ नॉर्मली एंड नाउ आई है मदर्स अप्रूवल So, रिश्ता भेजने में भी टेंशन नहीं आने वाली <laughs> तभी, तभी के तभी हाँ दे दिया <laughs> <laughs> तभी कदम तभी हाँ है तो वहाँ पे इफ आई एम चार्मिंग द मदर इज अप्रूव मैं दो मिनट बात करूंगा आई नो आई कान होल्ड फॉर लॉन्गर तो आई गेट द नंबर एन एल गो एक बार भाई मैं एक क्लब में गया हुआ था uh, किटीशू था uh, चार पांच साल पहले सो मी एंड माई फ्रेंड्स जो रावट और एक दो लड़कियां भी साथ थी अब वहाँ पे दो लड़कियां थी वन मदर वन डॉटर एंड आई साइट ऑन नो द मदर मेरे दोस्त डॉटर से बात कर रहा है अब मैं हमने क्लोज डांस करना स्टार्ट कर दिया तो वो शी इज वेरी अट्रैक्टिव तो दो तीन साल बाद भी मैसेज कर रही थी यार लगे यार नहीं यार छोड़ो बट एनी वे वहाँ पर मैं डांस डांस वांस कर रहा हूँ तो <laughs> <laughs> मैं डांस कर रहा हूँ मेरे दोस्त उसकी बेटी के साथ डांस कर रहा है एंड uh, um, पास आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं एंड आई स्टार्ट मेकिंग आउट दर उसकी बेटी वहाँ है उसकी बेटी ने देख लिया <laughs> <laughs> <क्यों> चलो <laughs> किस कर रही है आ, तो उसकी बेटी ने देख लिया बेटी कहती मम्मा हो बट <laughs> ठीक है भी थोड़ा बात बात करी बड़ा एंड शी शी गिव मी हर नंबर और फेसबुक और समथिंग था वहाँ पे एंड देन फिर हमने थोड़ी बात बात करी बट फिर उसके आगे आई डोंट नो आई गॉट बिजी और समथिंग एंड शी इज कमिंग वो आ रही थी डेली um, तो इतना आई थिंक शी वांटेड मोर ऑफ इमोशनल सपोर्ट मैं बच्चा था वाइफ में चल रहा हूँ तो बट <clears throat> होता है क्लब से मेरे को चीज़ आ रही आई यू हैव विथ समन ये सन जब हम सत्रह अठारह साल के थे हाँ। बात है तो तो किसी लड़की से बात करनी है ना तो जाके बोलता रहा मैं तो था दोस्त एक दोस्त के के साथ साथ ऑलमोस्ट एक दोस्त था वो वो भी फिर और दोस्त थे तो बोल रहे थोड़ा पूछो जाके बात करो चम्बन आई यू है और कुछ नहीं बोलना क्या हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ सही है

Uh, पहली अप्रोच करी थी ना वो तो मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती करा दी थी जल्दी बट उसके बाद सेकेंड अप्रोच में छः महीने लगे थे और पहली अप्रोच भी ऐसी थी फाय टेल यू वी वैंड डू अ मॉल प्रोमिनाड में थे फूड कोर्ट में तो वहाँ पे एक लड़की अकेला फूड कोर्ट में खाना खा रही थी एंड uh, हम पूरे मॉल में घूम के आए थे और कोई परफेक्ट लड़की मिल नहीं रही थी जिससे हमें बात करनी है जो अब हम रियलाइज करते हैं हमारी बस फटी पड़ी थी इतनी तो हम एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे नहीं यार ये किसी के साथ है ये उतनी अच्छी नहीं लग रही हमारे टाइप की नहीं है अरे ये तो मना ही करेगी तो वहाँ पर वो कहता भाई देख बहुत हो गया है अब अप्रोच करनी करनी है रहा, वो लड़की बैठी हुई बैठ गये क्या बोलूँ तो बोला जाके बोल इज दिस सीट टेकन साइड वाली बोले कि नो और फिर बैठ जाइए मैं कहा ये तो बहुत सही है ऐसा करेंगे और फिर मैं क्या फिर आगे क्या बोलूँ कह रहा तू ये तो कर आगे फिगर आउट कर लियो कुछ नहीं होगा वापस आ जाइयो अप्रोस तो करें तो मैं गया भाई मैंने बोला इज दिस सीट टेकन कहती नहीं यू कैन टेक इट प्लीज तो मैं चेयर लेके आ गया वापिस वहाँ बैठने की जगह खींच के लिए। <laughs> मैं कहीं ये नहीं था स्क्रिप्ट में हमारी आ, तो बहुत चीज़ें हैं भाई जो पता नहीं होता आगे क्या होंगी सो एवरी प्लान देट यू हैव ना वो खराब ही होना है इससे बेटर यू गो इन विदाउट अ प्लान राइट अब उसके बाद मेरे को छः महीने लगे भाई आगे अप्रोच करने में मेरी इतनी फटी बडी रहती थी मैं क्लब जा रहा होता था विलेज का टाइम था तब तो हम रात को जाते थे और खड़े रहते थे तो बाहर लड़की से बात करते थे एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी इन साइड वन एंट्री प्लस वन वाली हाँ, कपल एंट्री होती हुँ, थी हुँ, तो कभी वो एंट्री करा देती थी फिर अंदर एंट्री नहीं होती थी भाई मतलब अंदर सॉरी फिर अंदर बात नहीं होती थी लड़कियों से अच्छा, अलग अलग, हाँ, अलग रस्ते हाँ और फिर अंदर एक लड़की से देखा भाई पूरी पूरी रात दो घंटे एक ही लड़की को देख रहे हैं कि अप्रोच करना है करना है करना है और होता नहीं है एंड अभी भी ना वेन यू गो अ क्लब तुम्हें देखेगा जैसे अगर दो सिंगल लड़कियां डांस कर रही है ना छह लौंडो का झुंड के अराउंड होता है ऐसे खड़ा हुआ है ना और वो कभी नहीं करना होता है हम भी उस झुंड में रहते थे कि बात करनी है करनी है। सब सोच रहे हैं, बात करनी है दो लड़कियां बीच में नाच रही हैं किसी से बात नहीं हो रही है एंड छह महीने लगे भाई फिर अप्रोच करने में और जब अप्रोच करी ना बहुत ही सिंपल अप्रोच करी कोई बोला नहीं कुछ नहीं वो लड़कियां डांस कर रही हैं हमने अपनी एनर्जी मैच करी हम भी डांस कर रहे हैं सीम्स लाइक एन एनर्जी मैच हमने ऐसे जैसे उसने देखा या मैंने शोल्डर पर टैप करा हाई बोला और बस हाथ दिया मैंने तो उसने हाथ लिया और नॉर्मल नॉर्मल डांस स्टार्ट तो वहां पर बिना बात करे एक बहुत वाइब इतनी अमेजिंग हो गई और इतना स्टंध था ना मैं सोच के कि यार क्या बोलू क्या करूं और यहाँ पे बस एक हाथ दिया वो बंदी आ गई मैं कहा ये क्या है भाई hmm. क्या फिगर आउट कर लिया ये हमने तो उसको हम कहते हैं हैंड ऑफ गॉड भगवान का हाथ आया है <laughs> ऐसे <laughs> तो अब कहीं पे भी मेरे को ऐसे दिखता है ना सो लाइक नाउ इवन व्हेन यू सी दरअ टू थ्री गर्ल्स और पांच छह लोगों ने झुंड बना रखा है मैं भाव नहीं देता उन्हें हटाता हूं सीधा बंदी से डांस करना स्टार्ट करता हूं एंड आई डोंट अराउंड बिल्कुल बिकॉज यू लुक वेरी लो वैल्यू यार अगर तुम लड़कियों को देखे जा रहे हो ना तो मैं बस लड़की को एक ही टाइम पे देखता हूँ

तो फिर बातें करनी स्टार्ट करी थोड़ा डांस करना स्टार्ट करा फिर वो बोर हो होकर फिर चली जाए फिर एक बंदी ने नंबर दे दिया फिर नंबर पे टैक्स करा ब्लॉक दूसरा नंबर मिला टैक्स करा गलत ही नंबर दे रखा है <laughs> कलेश तो भाई छे छह महीने लगे एक एक प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में टू अ पॉइंट की आई थिंक चार या पांच साल बाद एट अ पॉइंट कि मैं अप्रोच कर सकता हूँ लड़की से बात कर सकता हूँ आई कैन गेट अ नंबर एंड अगर इफ थिंग्स आर राइट वी कैन गो सम सम प्लेस द सेम नाइट ऑल्सोल

<laughs> <laughs> भी हो रही है तो भाई there have always been guys <laughs> जो से good looking है। मेरे को ना पूरी ज़िंदगी में दो लड़कियों ने मैक्सिमम अप्रोच करा होगा मेरे को खुद <laughs> और मैंने बंदे देखे जिनको लड़कियां अप्रोच करती रहती हैं <laughs> बट वो हमारी <laughs> है <ने> <laughs> देखो करती रहती है अप्रोच <laughs> हाँ तो मेरी रियलिटी नहीं है यार <laughs> मेरे को नहीं करती रही तो भाई हमें खुद अपना मतलब गेट योर सेल्फ ना तो आई रियलाइज देट तो कई बार जो ज्यादा लोग गुड लुकिंग होते हैं ना वो उनके लिए पैरालिस भी बन जाता है क्योंकि वो फिर अपनी साइड से अपने चॉइस की बंदी को नहीं अप्रोच कर रहे होते आएगा राइट एंड आई फील उसके दौरान वो अपनी भाई तो बेसिकली आई हैव नॉट बिन मतलब आई आई थिंक आई एवरेज और मे बी अबव एवरेज इन टर्म्स ऑफ लुक्स बट जो बंदे हैं ना बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी ग्रूमिंग पे काम नहीं करते हैं तो अगर अपने आप को कोई रेट कर आई वुड रेट माइसेव डेट लेट्स एट आउट ऑफ टेन विद वे आई लुक मे ब सेवन पॉइंट फाइव एट बेस्ट एट या उससे ज़्यादा नहीं देर आर गाइज जिनको लगता है वो थ्री हैं या फोर हैं या टू हैं बट अगर उनको तुम ग्रूम कर दो देल एटलीस्ट बी सेवन हंड एट दम सेल्स बहुत बहुत सिमिलर चीजें होती हैं तो पहले ना वो करना चाहिए हमें उसके बाद यू डू द बेस्ट दट डन नाउ स्टॉप थिंकिंग अबाउट लुक्स अब भाई तुम्हारे पत्ते डील हो गए हैं दिस इज द बॉडी दैट विद ये तुम्हारी शक्ल है अब तुम कुछ कर नहीं सकते नाउ लेट्स वर्क ऑन द थिंग्स आट रियली मैटर अब जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि जैसे देर इज अ गर्ल राइट एंड लेट्स ए सनी और uh, मैं गया हुआ या कोई हमारा क्लाइंट गया हुआ है hmm. वो बंदी सनी को देख रही है बार बार सनी hmm. भी उसको देख रहा है और सनी वेट कर रहा है अप्रोच करेगी या सनी सोच रहा है मैं आधे घंटे बाद अप्रोच करूंगा hmm. करूंगा 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 ये बंदा गया सीधा जाके अप्रोच करिए ठीक है अब वो लड़की ने सनी को देखा है बट बात तो वो इससे कर रही है पांच मिनट बाद शी विल स्टार्ट लाफिंग अब भूल जाएगी वो सनी को मेरे सामने जो है वही दिख रहा है ना राइट एवरीबडी लव शाहरुख खान डज नॉट मीन दे वेट फॉर शाहरुख खान इन दर लाइफ ना तो शीज वेट फॉर यू तो बात हुआ है तो गुड लुकिंग बंदे वहां पे थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं एंड आई नो इफ आई एम विद गाय हु गुड लुकिंग आई नो अ लेवल ऑफ गेम कि वो बंदा हेड में चला जाएगा लाइक like, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ गुड लुकिंग बंदा अंदर आ जाएगा आई बी लाइक भाई यार क्या स्टड लग रहा है यार तू

लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस होता है कि यार भाई एक बंदा है जेम्स बॉन्ड जैसा बहुत गुड लुकिंग है पैसा बहुत है और वो बंदा कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंस असली में वो है यार कि तुम्हारे पास जो है और जो नहीं है तुम दोनों चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो आई एक्सेप्ट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज ऑल्सो जैसे मेरे बाल उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं भाई मतलब आई मीन दैट्स दैट्स ऑल इट इज आगे बताओ ना क्या है मेरी हाइट छोटी है तो है ठीक है अब क्या इफ़ यू कैन एक्सेप्ट इट और तुम्हें उस चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है देन आगे फर्क नहीं पड़ेगा um, क्योंकि लड़कियों के साथ अट्रैक्शन ना बहुत इमोशनल होता है

तो जो भी मतलब लड़के देख रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हाँ जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे इंतकाम देखेगी तो भी नहीं होता है अपने लिए करो वो हेल्थ हाँ यही सब भाई वो आजकल सिग्मा मेल चल रहे हैं ना तो वो कह रहे हैं भाई हम जिम जाएंगे हम काम करेंगे पैसे कमाएंगे भाई बहुत ही अच्छी बात है कह रहे लड़कियों से बात नहीं करेंगे हम हम सिग्मा है हम नहीं बात करेंगे लेकिन अंदर से ना ये वही लोग हैं भाई जो लड़की देखते बोलते यार फक यार बंदी कितनी हॉट है बट उन्हें पता है अगर उनको रिजेक्ट कर दिया ना उसने तो उनकी इज्जत एकदम डाउन चली जाएगी तो वो करते नहीं हो वो करते नहीं हो ईगो प्रोटेक्ट अपनी करके रखते हैं और ये सिग्मा का एक उन्होंने वो नकाब सा पहन लिया है ओढ़ लिया है अपने ऊपर इनविजिबिलिटी क्लोक डाल लिया है कि खुद के ऊपर प्रेशर नहीं लेना है एंड पर्सनल डेवलपमेंट लोग पता ही बड़ी लिमिट करते हैं Um, बहुत इन्फ्लुएंसर है जो प्रमोट करते हैं बोलते हैं भाई अपना ना गार्डन बना लो मधुमक्खी अपने <laughs> तो then, then <laughs> बॉडी मतलब बनानी तुम जिम जाते हो लेकिन लड़की चाहिए तो नहीं, नहीं तुम जिम ही जाओ भाई पैसे ही कमाओ भाई तुम्हें लड़की चाहिए तुम लड़की से जाके बात करो ना यार आएगी तुम्हारे पास यार अलग ही कलेश है भाई जितने भी लड़के पॉडकास्ट देख रहे हैं तो लड़कियों उसको सीधा अप्रोच करो हाँ सीधा ही हाँ लेकिन एक एक जैसे हम उसकी बात कर रहे थे कॉन्वर्जेशन स्टार्टर या ओपनर की सिचुएशन बेस्ड या ओपनिंग बेस्ड सबसे ज़्यादा आई थिंक जिम वालों के लिए रहता है कि एक्सक्यूज मी आई यू डूइंग ऑल आई यू डूइंग दिस

जैमें एक ऐसा ऐसी जगह मतलब मॉल में बहुत ही काम कि तुम बार बार उससे yes. क्या बोलते हैं इंटरेक्ट करोगे exactly. वो भी आप दोनों की मतलब है, तो ना इसको यार जब अप्रोच करते हैं हम दो कैटेगरी दिमाग में डिवाइड तो करते हैं एक वार्म अप्रोच होती है कोल्ड अप्रोच होती है कोल्ड अप्रोच जहां पे आप दोबारा मिलोगे नहीं और आप एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं जानते हो जैसे मॉल हो गया क्लब हो गया बार हो गया कैफे हो गया जिंदगी में घूम रहे मेट्रो में लड़की दिख गई है वार्म uh, अप्रोच होता है तुम्हारे ऑफिस में क्लास में जिम में किसी वेडिंग में गए हो सेम हाउस पार्टी में मिल रहे हो वो वार्म है बिकॉज तुम एक सेटिंग में हो पे साथ में और तुम्हें दोबारा लड़कियां मिलेंगी तो मैं कोल्ड अप्रोच में जाके बोल सकता हूँ आई थिंक यूट क्यूट वथ यू नेम बट अगर मैं जिम में जाकर बोलूँगा बोलेंगे यार ये तो सब लड़कियों को यही बोले जा रहा है तो यू कान गो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मुझे तुम पसंद हो तुम ज्यादा सुंदर दिख रही हो इन एनी सोशल सर्कल से नारे वार्म अप्रोच में पीरियड अब वहां पर वार्म अप्रोच में हाँ एक और रीजन कोल्ड अप्रोच में मॉल में या क्लब में मुझे सीधा जाके इंटेंट दिखाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं तो वो लड़की मुझे दोबारा मिलेगी नहीं hmm. ठीक है तो मेरे को आज ही मिलना है आज ही फोन नंबर लेना नीड टू मेक उसको दोबारा मिलू जिम hmm. में मुझे पता है वो लड़की मेरे को सेम टाइम पे कल मिलेगी ना hmm. तो मैं क्यों अपनी पावर होती है जो एज अ मैन और कम क्यों करूं बोल के कि आई रियली लाइक यू मैं तो आपके पीछे डेस्परेट हूं hmm. तो जितना कम हम अपनी साइड से इंटरेस्ट शो कर सकते हैं वाई एट द सेम टाइम जनरेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम हर साइड और एक फ्रेम बोलते हैं हम इसको एक फ्रेम क्लियर है कि मैं ना आपको फ्रेंड टू फ्रेंड नहीं बात कर रहा हूं या मैं बस ऑल्टरनेट करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है कोल्ड अप्रोच में वो पहली मीटिंग में मेंटेन करना होता है सोशल uh, सर्कल में तुम दो या तीन मीटिंग्स में उसको स्ट्रेच करते हो सो आई ऑलवेज प्रेफर स्ट्रेचिंग इट इन टू थ्री मीटिंग्स ताकि मैं डेस्परेट ना लगूं एंड कंफर्ट लेवल भी बिल्ड हो जाए दोनों साइड करेक्ट करेक्ट अगर तुम सेम जगह जा रहे हो तो फर्स्ट मीटिंग में आई वुड ओनली ओनली लाइक यू नो स्माइल एट अ गर्ल दैट्स इट मैं जा रहा हूँ इधर उधर या फिर उसने देखा है कि हम सेम टाइम पे आ रहे हैं आस पास है क्रॉस करा आई जो स्माइल ओके मूव ऑन बिल्कुल नहीं रुकूंगा मैं स्माइल करूंगा हाय आसपास हैं है अगर हम इफ आई एम यूजिंग समथिंग और उसको प्लेट्स चाहिए तो मे बी मैं पकड़ा दूंगा बट मैं नाम नहीं पूछूंगा कुछ नहीं करूंगा नॉन बाय निकल गया अगले दिन मे बी तब जाके मैं हाय बोलूंगा मैं कहे वाह आर यू डूइंग टुडे

कोई बंदा वर्कआउट कर रहा होता है तो तुम कैसे जाके उससे बात करते नॉर्मल 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 होते भाई ऑल्टरनेट कर लेते हैं ठीक है बढ़िया और फिर उसको स्पॉट भी करते बस देख नहीं रहे होते तुम कुछ बोलते मे बी एनकरेज करते या पूछते हैं वहां पे बट जब लड़कियां आ जाती है दिमाग में ये वो हो, है कि यार ये तो है। है। हो जाता है यू कैन नीडनेस अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो अपनी गर्ल देन बहुत अमेजिंग चीज है गर्ल उट like, mm. sure kind of so, करना है सो इफ मैन स्टार्ट अभी यही <laughs> <है, ये ही, laughs> <ये ही> चाहिए <laughs> तो थोड़ा अगर तुम लड़की को सोचो मैं इसको जानूंगा पहले mm. वो सब करूंगा mm. तो वो डेस्पिरेशन तुम्हारी उतनी दिखती भी नहीं है mm. प्लस लड़की को लगता है यार स्टैंडर्ड बंदे तो समटाइम्स आई टॉक नई आस्क सो वोट यू डू अप

तो ब्रेकअप हो गया कोई कोई लड़के क्या होते हैं जब ब्रेकअप होता है ना बहुत स्टेज में चले जाते हैं अपने आप को मारने लग जाते हैं लड़की को स्पाई करने लग जाते हैं उसके पीछे जाते हैं की कहाँ जा रही है आप समझ गए

दर इज लाइक हमारे माँ बाप ने पैदा करा होता है बट ये जिंदगी में द ओनली कंपेनियन वी हैव आ सेल्स सो इवन इफ वे बॉर्न विद समन हम आए तो अकेले हैं इस दुनिया में और हम जाएंगे भी अकेले ही सो so, जो जो हमारी कोर थाट्स होते हैं हमारे जो एक्शन होते हैं या जो एक्सपीरियंस जो दर्द होता है आई कैन एम्पथाइज विद यू आ पेरेंट्स कैन एम्पथाइज विद बट दे डोंट नो वट वेर गोइंग थ्रू

आई बिलीव इन लाइफ ना तुम्हें एक लेसन उतनी बारी मिलता है मतलब तुम एक सेम ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस में तब तक जाओगे जब तक तुम उससे सीख नहीं जाओगे अगर तुम बोल रहे हो लड़की ने मेरे को पे चीट करा है मैं इसको माफ कर देता हूँ तो दूसरी बंदी मिलेगी फिर चीट करेगी या, या वापस आएगी हो फिर से चीट करेगी भाई तुम्हें यू नीड टू लर्न योर लेसन इफ शी इज चीटेड ऑन यू यू हैव टू क्रिएट दैट बाउंड्री कि भाई ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम अकेले आते हैं यहाँ पे तो अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा सो आई नीड टू कीप थिंग्स इन माई माइंड कि भाई मैं ये टॉलरेट करूँ और ये नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए तो इफ आई के नॉट बी ऑन माई साइड है मैं अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूं ऑन दैट इमोशनल लेवल और मैं खुद ही दोबारा हर्ट होने के लिए उस रिलेशनशिप में जा रहा हूं दे um, वो ट्रस्ट इन दैट सेल्फ स्टीम गोज डाउन क्योंकि वो लड़की फिर से चीट करेगी यार आई डोंट बिलीव इन सेकंड चांसेज इन अ गर्ल चीड यू गो बैक टूअर नहीं bro, fuck it, छोड़ो बहुत लड़कियां हैं दुनिया में इफ शी डज नॉट वैल्यू यू कोई पॉइंट ही नहीं है दोबारा वापस जाने का बहुत सारे लड़के होते हैं इसके बाद ना रिबाउंड कर लेते हैं तो आपको लगता है रिबाउंड करना चाहिए भाई आई हैड मल्टीपल ब्रेकअप्स ठीक है um, और मेरे ना थोड़े इमोशंस भी बड़े फकडअप रहते थे तो एंड यूजअली वन यू सी गाइज गो इन टू दैट बॉय थिंग ना जो प्रॉपरली कंपल्सिव फक बॉय थे जैसे मैं था राइट ओनली सेक्शुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो उनको ना जिंदगी में प्यार नहीं मिला होता बचपन में ठीक है सही में तो फिर को नहीं मिला था तो नहीं दर्द वाली बात ठीक तो है आप अब हंस सकते हैं क्योंकि आ, अब ले लिया ना आ, सारा प्यार हो गया तो भाई मैं पांच साल गया एंड वो कमी होती है तो असली ना जिंदगी में चाहिए होता है प्यार बट हमें लगता है सेक्स और प्यार सेम है सो यू कन्फ्यूज सेक्स विद लव And when you're having sex with a girl, that is the highest form of validation and love from a feminine energy or from a female that I can receive. So, happens Now, let's say I'm hooking up with three, four girls. दो या तीन महीने की वैलिडिटी होती है hmm. <laughs> एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की एंड देन द गर्ल मूव्स ऑन फॉर टू रीजन वन इधर तुम तो बहुत अमेजिंग से बंदे वीड वॉन्ट तो टू डेट यू बट मैं उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव द कैपेटी टू डेट ओनली बिकॉज आई हैड नॉफ्ट ट्रमा इन माई माइंड एंड मेरे को लगता था मैं दब जाऊंगा फंस जाऊंगा hmm. तुम्हें से रिलेशनशिप कमिटमेंट ना होता ही नहीं था भाई <clears throat> तो मैं छोड़ देता था या फिर ऐसा होगा उसको दूसरा बंदा मिल जाएगा और उसके पास चली जाएगी और बोथ द थिंग्स कैन हैपन तुमने मना करा उसने दूसरा बंदा ढूंढ लिया बाय दिस ऑलवेज हैपन दो तीन महीने लगते हैं इसमें होने में ऑल्दो um, समय you know, दो तीन साल के लिए दस समर्ल्सली हु बट वो ऐसे रहता महीने दो महीने में एक बार मिल रही है सो द पॉइंट इज अगर वो लड़की जा रही है एंड इवन आई मेन माई फाक बॉय फेस दर्द फिर भी होता है अबैंडनमेंट फिर भी फील होती है ऑल मैंने मना करा है जब मैंने मना करा तो ठीक है और वो वो टैक्स कर रही है प्लीज सत्य ओली लाइक यू माई गॉड ये वो बात बात कर रही है रात को ड्रांग कॉल हो रही है एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फिर एक महीने बाद उसने कॉल करने बंद कर दिया अब मुझे लग रहा है फक्यारे तो चली गई है फिर अबैंडनमेंट ट्रिगर हो रहा है मैं गई कैसे जा रही देन आई एम टॉकिंग टू हर करीरी नहीं यू डोंट फकिंग रिस्पेक्ट मी ये वो वगैरह वगैरह mm -hmm. तो हर बार ना बुरा लगता है भाई और वो जितनी बार जितनी बार वो बुरा लगता है ना um, उस साइकिल से निकलना होता है एट अ पॉइंट इन टाइम बट एनी वे वैन यू ब्रेकअप विद अ गर्ल द पॉइंट इज कि भाई जैसे तुमने बोला रिबाउंड करना चाहिए या नहीं आई फील अगर एक लड़की ने तुम पे चीट करा है या तुम दो तीन साल से एक लड़की के साथ हो तुम्हारे दिमाग में एक स्पेशल चीज बनी हुई है एंड दैट्स नॉट स्पेशल बिकॉज ऑफ द गर्ल वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो उसके साथ वो इमोशनल जो रिलेटेबिलिटी तुम्हारी है या वो जो बॉन्ड है ना वो स्पेशल है इवन mm. दो तुम्हारी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं ना और उससे बेटर दिखने वाली लड़कियाँ बट वो इमोशनल कैसिटी में तुम अभी भी हो ट्रू ट्रू राइट सो नाउ वैन यू गेट आउट ऑफ इट ना इवन दो यू विल गेट हॉटर गर्ल्स तुम वापस उस लड़की के पास भागोगे तो वो जो तुम्हारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज हैं या जो तुम्हारी आदतें बनी हुई है वो ब्रेक करनी चाहिए तुम्हें एंड यू हैव टू गो अराउंड विद इफ यू वॉन्ट अ रिबाउंड गो डू दैट इफ यू वॉन्ट बी विद फ्रेंड्स गो डू दैट हम बेस्ट टाइम होता है कि यार इस टाइम पे तुम गेम सीखो इस टाइम पे तुम बाहर जाकर और लड़कियों से मिलना स्टार्ट करो ऑनलाइन डेटिंग में जाओ पार्टीज में जाना स्टार्ट करो से बात करो फैमिली से बात करो एंड डेफिनेटली गो मीट मॉर वुमेन एंड वैन यू गो मी मॉर वुमन थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा यू बी लाइक यार ये लड़की इतनी भी खास थी नहीं यार एंड देन तुम एक क्लियर माइंड सेट से सोचोगे कि भाई अच्छा हुआ कि यह खत्म हो गया बिकॉज ये चीटेड उनमें बट अगर तुम वापस चले जाओगे यू विल नॉट हैव दट लेवल ऑफ ग्रोथ तुम हमेशा वही बैड रिलेशनशिप में अपने फंसे रहोगे एंड यू विल ऑलवेज टॉलरेट सी पीपल गेट वॉट दे टॉलरेट इफ यू टॉलरेट अ वूमन चीटिंग ओन यू एंड यूर गोइंग देर देथ वॉट यू गेट इन लाइफ ना इफ आई डोंट टॉलरेट दैट मैं कभी मैं फंसूंगा ही नहीं सो यू हैव टू गेट टू दैट पॉइंट एंड जब दिल टूटता है तो दर्द होता है और उस टाइम पे ना ग्रीफ की बात करते हैं भाई तो मैंने काफ़ी ना ट्रॉमा वर्क करा है जैसे अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ मैं फक बॉय था नहीं था ये मेरे दिमाग में होता सो आई लर्न अ लॉट एंड मैं आफ्टर पॉइंट इन टाइम दैट्स आई एम डेटिंग अभी मेरे को रियलाइज हुआ मैं तो बड़ा लोनली हूँ यार भैया जो लड़कियाँ इतनी मिल रही हैं फिर भी कलेश है जिंदगी में सो so, ग्रीफ के ना पाँच स्टेजेस होते हैं फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है दिस इज एरिक्सन लॉ एरिक्सन फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में उसने ढूंढा था सो तो भाई क्या होता है ना फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं यही सेम स्टेजेस ऑफ ग्रीफ आएंगे एनी टाइम देर इज समथिंग बैड दैट हैपन्स इन योर लाइफ एंड यू हैव टू ग्रीव इट लाइक अ फैमिली मेम्बर्स डेथ और एक फ्रेंड की डेथ हो गई है तुमने अपना स्कूल चेंज कराया कॉलेज में गए हो कॉलेज चेंज कराया जॉब में गए हो या फिर अपनी सिंगल लाइफ से मैरिड लाइफ में जा रहे हो यू आर ग्रीविंग योर सिंगल लाइफ चीज़ एंड हो गई है और दोबारा वापस आ नहीं सकती है सिमिलरली रिलेशनशिप में बंदी चली गई है दोबारा आएगी नहीं आए दोस्त बाहर चला गया है सो एनी क्लोज थिंग्स लाइक दिस ना वी गो थ्रू फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स में बताएं तो ब्रेकअप में पहला स्टेज होता है डिनायल कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं है हो ही नहीं सकता लड़की ने चीट कर हो ही नहीं सकता पहली स्टेज में लोग फंस जाते बोलते नहीं यार कोई और होगी तुमने अपने दोस्त को बताया भाई तेरी बंदी पहचो वहां पे मैंने देखी बोले <laughs> <नहीं। laughs> हो ही नहीं सकता मैंने देखा मेकआउट कर रही थी भी आई भाई वो ठीक है <laughs> मेरी <laughs> मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता भाई मेरी वाली अलग है है ना मेरी वाली अलग है तुम सारों की गर्लफ्रेंड ऐसी बट मेरी वाली अलग है तो बंदे डिनायल में पड़े हुए हैं भाई डिनायल अगर सही में ब्रेकअप हो गया तो भाई डिनायल डिनायल के बाद आते हैं सेकेंड स्टेज एंगर की फकियारे कर कैसे सकती है ऐसे और वहां लोग पागल हो जाते हैं हाथ काट रहे हैं धमकियां दे रहे हैं लड़ाइयां कर रहे हैं एंगर नशे काट रहे हैं हाँ नशे काट रहे हैं गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर आ रहा है लड़की पे आ रहा है धमका आ रहे हैं जिस बंदे के साथ उसने हुक्म करा उसको मारने जा रहे हैं एंगर और ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन चीज है ये ऐसा नहीं है बुरा है ये होएगा दिस इस इज अयूमन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स और इसीलिए तेरवी होती है हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में तेरह दिन ग्रीविंग के होते हैं बिकॉज इफ यू डो नॉट ग्रीव एनी ना वो फंस जाता है इमोशन अटकेगा जिंदगी भर तुम फंसे रहोगे यू हैव टू ग्रीव टेक द टाइम टू ग्रीव दैट तो भाई डिनाइल हो गया एंगर हो गया एंगर के बाद आता है बार्गेनिंग बार्गेनिंग में क्या करते हैं प्लीज 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 यार वापस आ जाओ मैं बदल जाऊंगा प्लीज प्लीज अच्छा सॉरी मैंने तुम्हें ये बोला, अब नहीं करूँगा अच्छा ठीक है कोई नहीं मैं मैं माफ कर दूँ मेरे को देन दे बार्गेन एंड देन देखो था लड़की वापस आ गई तो ठीक है नहीं तो नहीं आई देन फोर्थ फेज इज डिप्रेशन वहां पर नशे कटती है वहां पर डिप्रेस हो जाते हैं वहां पर सब परेशान हो जाते हैं कि नशे कटती हैं परेशान हैं और बार बार नहीं आ रहे दोस्तों के साथ रो रहे हैं गरीव कर रहे हैं एंड देन फाइनली यू कम टू अ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस

भगवान जी माफ़ कर दो एल बी अ गुड बॉय लगता है हमारी गलती है एंड देन यू मूवेंट टू डिप्रेशन एंड देन फाइनली यू गेट टू एक्सेप्टेंस सो एनी टाइम दैज अ ग्रीविंग प्रोसेस ये पाँच स्टेजेस से बंदा जाएगा ही जाएगा और तुम बीच की स्टेज में ना ट्राई एंड नॉट बी सो एंग्री कि तुम गालियाँ दे रहे हो लड़कियों को या फिर मतलब वो तो डिपेंड करता है सबका प्रोसेस है कि क्या सीन है um, या फिर तुम बारगेन कर रहे हो गालियाँ दे रहे हो अपनी नशें काट रहे हो um, बेटर है तो नॉर्मल वाले उसी में रहो क्योंकि उसमें तुम वनरेबल हो जाओगे और फिर यू विल गो बैक इन टू रिलेशनशिप जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए था करना क्या था तुम्हें ग्रीव करना था अच्छे से जस्ट नो दैट दिस इज ओवर एंड इट वॉज अमेजिंग वैन इट लास्टेड बट यू यूर यू फेल एंड लव विद द रॉन्ग पर्सन एंड यू शुड नॉट गो बैक देयर एंड डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट अ री बाउंड री बाउंड मैं तो हंड्रेड परसेंट बिलीवर हूँ आर गो मीट अर द वमेन एंड देन उसमें ग्रीविंग प्रोसेस के बाद

ट इफ यू डोंट लव अ गर्ल डोट सो अगर मैं एक लड़की के साथ हूं और मैंने क्लियर बोला हुआ है यार कि देखो आई एम नॉट लुकिंग टू डेट दिस इज जस्ट प्योरली कैजअल अब उसको मेरे से अटैचमेंट हो गया दैट इज नॉट नो माई बिजनेस दैट इज नॉ माई प्रॉब्लम बिकॉज अगर इफ यू रिवर्स द रोल्स अगर लड़की ने बोला कैजुअल मैं बोलूँ नहीं प्लीज शादी कर लो तो, तो बोले कि लड़का कृपी है ना सब बोलते ना लड़की पीछे पड़े हैं हमारे और और यही तो वन साइडेड लव है फोसला फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर्स एसोसिएशन हमारी जो है बनी हुई है लड़कों की बोलते मुझे तो लड़की से प्यार है मुझे तो यही इच्छी बोले कि नहीं ना नहीं है प्यार मुझे तेरे से अब वो बिफोर मीटिंग द गर्ल की जगह वो वहां हो गया है कि तुम कैजुअली हु कब कर रहे हो सो इफ बाउंड्रीज आर क्लियर नन ऑफ द पीपल हैव टू क्रॉस बाउंड्रीज अगर वो बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है आई डोंट थिंक मतलब मेरे को जबरदस्ती डेट नहीं करना है किसी को यार जब मैंने क्लियर कर रखा है पहले से सो एज अ पर्सन एनी बडी गायर अ गर्ल बाउंड्री शुड बी वेरी वेरी क्लियर वट हैज बिन योर मोस्ट वियर्डेस्ट इंटरेक्शन या फिर वियर्डेस्ट अप्रोच अभी तक यार पता नहीं ब्रो बहुत याद करना पड़ेगा या आपकी आपकी कोई क्लाइंट की हाँ जो आपका पास क्लाइंट आया आपको बोल रहा हो मेरे कोई डेटिंग के बारे में पूछना है हाँ। फिर आप बोट रहोगे यार हाँ। क्या पूछ रहा है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप हम यार क्लाइंट्स तो ना अलग अलग आते हैं कुछ भी पूछ लेते हैं वो तो यार मतलब कई बार हम उनको उनको लड़कियां मिल जाती हैं फिर सेक्स अच्छा नहीं होता तो लड़कियों ने मिलती नहीं है बाद में दोबारा से तो <laughs> हम उनको सेक्स कैसे करना सिखा रहे होते हैं तो वो भी बड़ा नॉर्मल है वो प्रोसेस क्या होता है भाई उनको सिखाते हैं लिटरली लड़की टर्न तो ऑन कैसे करनी है <laughs> मैं बताता हूँ उन्हें धीरे <laughs> धीरे बाल पुल करो हाथ लगाओ आंखों में देखो अच्छे से स्पैंक करो मतलब पोजीशंस बता रहा होता हूँ तो ग्रेन्यूर लेवल मतलब है करना। हाँ, ना। और ना। ना। मतलब कई बातें ना लोग ना अपने दोस्तों से नहीं कर पाएंगे कहीं पे नहीं कर पाएंगे so, know, me, या हमारी वी गॉट अ बंच ऑफ कोचेस आल्सो चार पांच कोचेस हैं तो लाइक दे नीड टू बी आर कंफर्टेबल टू शेयर थिंग्स विद तो कई लोग अपने डिवोर्स से गुजर रहे होते हैं दे गेट बैक टू इट वो भी होता है कई लोग रहे होते हैं अपनी बीवियों से अपनी गर्लफ्रेंड से <laughs> वो भी होता है भाई सो दैट दैस वेरी बहुत डिफरेंट लेवल के लोग <laughs> आते हैं एंड अभी मतलब मेरा एटीट्यूड इतना नॉन जजमेंटल हो रखा है ना <laughs> तो मैं शौकीन ही होता हूँ आजकल तो लाइक like, कुछ भी वियर्ड नहीं लगता है मुझे ऑनेस्टली <laughs> एंड <honestly. laughs> जैसे लड़के बहुत ज्यादा ये सब मतलब वो अप्रोच करते ही नहीं लेकिन हाँ। लड़के गलतियाँ करते हैं अप्रोच करते हुए लड़की um... like, हाँ। like <laughs> तो प्रपोज करते, oh. <laughs> करते वीडियो भी मैं अभी देख रहा था एक फेयरवेल पे बंदा गया था फूल लेके प्रपोज करने लड़की ने मना कर दिया चली गई और नीचे लोग कमेंट करे शी डज नॉट डिजर्व यू किंगे ये बंदा क्या कर रहा है भाई तू लड़की को जानता नहीं है कुछ नहीं कर रहा है तो बंदे सोचते हैं भाई प्रपोज कैसे करूं लड़की को भाई तुम्हें प्रपोज नहीं करना है तुम्हें पहले इंटरेस्ट जनरेट करना है तुम्हें पहले अट्रैक्शन बिल्ड करना है फिर प्रपोज करना है तो पहले जब तुम देखो और ये पता क्या होता है ये इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि या तो वही जेम्स बॉन्ड वाली या हम वाली इमेजिनेशन रखते हैं हम या कोई घोड़े पे हीरो आएगा लड़की को स्वीप ऑफ करके ले जाएगा तो वही हीरो बने हुए हैं हम अपनी मूवी के ना सब साले वही राजेश खन्ना और बहन अमिताभ बच्चन बने हुए हैं अपनी मूवीज के बट वी गेट अट्रैक्टेड टू अ गर्ल अ लाइट स्विच ऑन ऑफ लड़की है पसंद है सही है नहीं पसंद है नहीं है But women का ऐसा नहीं होता है शी माइट फाइंड यू क्यूट बट शी वूड वॉन्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू उसे जानना है तुम किस टाइप के बंदे हो क्या वो तुम्हारे साथ जेल कर रही है तुम्हारी वाइब है कनेक्शन है नहीं है तो अट्रैक्शन फॉर अ गर्ल इज वेरी स्लो लाइक अ वॉल्यूम लॉप धीरे 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 करके बढ़ता है लड़कों को लगता है प्रपोज करेंगे सीधा टॉप अट्रैक्शन हो जाएगा डन नहीं होता ऐसे तो पहले तुम्हें अप्रोच करनी है बात करनी है तो पांच फेजेज होते हैं यार राइट फर्स्ट इज ग्रैबिंग और अटेंशन वो हमारे फैशन से हो जाता है या जब हम अप्रोच करते हैं तब अटेंशन आ जाती है आफ्टर दैट इट्स इंटरेस्ट हम um, थोड़ी तुमने बात करी थोड़े जोक्स क्रैक करे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है देन अट्रैक्शन बिल्ड होता है नाउ शी इज इंटरेस्टेड इन यू बट शी माइट नॉट बी अट्रैक्टेड टू यू राइट अट्रैक्शन के लिए हम थोड़ा और वाइब क्लियर करेंगे हम सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करेंगे हम फ्लॉट करेंगे टीज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे विद टाइम अट्रैक्शन बिल्ड होएगा अट्रैक्शन के बाद आता है कनेक्शन नंबर फोर इमोशनल कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है इफ इज नो इमोशनल कनेक्शन बंदे फकबॉय वाली कैटेगरी में चले जाएंगे या यार इसको तो बस यही चाहिए बकचोद है बस ये कुछ पर्सनालिटी नहीं है तो लड़की गलती क्या है करते हैं कनेक्शन बिल्ड करते हैं सबसे पहले हाय आप, आप कहा से आए हो क्या करते हो आपका फेवरेट कलर क्या है, खाना क्या खाते हो भाई लड़की को पचास बंदे पूरे टाइम पीछे पड़े रहते हैं इतने इंस्टाग्राम पे बंदे हैं लाइक वुमन

बट बंदे उसके एंड दिस शी टॉक्स टो बाकी बंदे डीएम में इतने हैं जो उनको पूरे टाइम अप्रोच करते हैं जिम में मिलते हैं ऑनलाइन डेटिंग में मिल रहे हैं और वो भी सेम ही बातें कर रहे हैं सो यू नीड टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉ दोज पीपल सो डोंट आस्क कर अबाउट अ पसनल लाइफ जबकि वही बक्चौदी वाली वाइब करो कैजुअली जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विदाउट शोइंग मच इंटरेस्ट देन वन शी इज इंटरेस्ट एंड थोड़ा अट्रैक्शन बिल्ट है तब तुम जाके पूछ सकते हो अच्छा टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ बिकॉज नाव शी वॉन्ट्स टू टेल यू अब दैट एंड नाव शी वॉन्ट्स टू नो यू पहले यू नॉट डन एनी थिंग इन लाइफ कि वो तुम्हें जाने या अपने बारे में तुम्हें बताए hmm. तो जब वो वैल्यू एस्टैब्लिश हो जाए कि अट्रैक्टेड है अब वो जानना चाहती है ना अब बताऊंगा मैं सिंपल सेल्स का कॉन्सेप्ट है भाई जब बंदे को चीज नहीं चाहिए उसको क्यों बेच रहे हो तुम यू लुक लाइक अ क्रेडिट कार्ड सेल्समैन क्रेडिट कार्ड ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो नहीं ना भाई मैं पहले नीड जनरेट करूंगा कि उस बंदे को क्रेडिट कार्ड चाहिए लुक एट मी तो पहले उसको क्रेडिट कार्ड चाहिए वो कहां फंसा हुआ है उसके बाद यू सेल द थिंग सो दै दैट इज वैन 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 द गर्ल इज लाइक यार टेलमी अबाउट यू वट योर नेम वट डू यू डू देन अट्रैक्शन बिल्ट हो गया है तो हमें समझ आ गया ये लड़कियां भी इंटरेस्टेड है हमें एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट ईच अदर एंड देन फाइनल फेज आफ्टर कनेक्शन इज इंटमेसी राइट इंटमेसी कैन बी फिजिकल एंड इमोशनल ऑल्सो तो नॉर्मल फेस वैल्यू पर हमने बताया जैसे मैंने बोला भाई वोट एवर आई हैवे अ गुड चाइल्ड हुड दैट्स ओके बट हमारी उतनी भी इंटिमेसी बिल्ट नहीं है दर विल बी लॉट मोर थिंग्स व हमें एक दूसरे की आदत लगेगी हम सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे वो बी सेक्चुअली इन्वॉल्व हमने एक दूसरे को नेकेड देखा हुआ है यू um, नो you know, हम साथ में बैठे हुए हैं द गर्ल इज ऑन अ पीरियड हम साथ में लेटे हुए हैं भाई रजाई के अंदर ही फाट मार रहे हैं दैट्स अ लेवल ऑफ इंटमेसी दैट्स इस्टिश सो दैट इज द हाइस्ट लेवल सो सेक्स एंड इमोशनल लेवल पर आ रही है और तुम क्लोज बातें कर रहे हो तो भाई मेरे को एक क्वेश्चन पूछना आपसे mm. कभी कभार क्या होता है कोई लड़कियां होती है जो वो देखते हैं किसी लड़के को बहुत सारी लड़कियों से बातें करते हुए hmm. तो उनके लिए रेड फ्लैग होता है एक तरह का ही hmm. तो आपके हिसाब से अगर आप किसी लड़की को देखते हो तो आपके हिसाब से उसके रेड फ्लैग्स क्या होते हैं फ्रॉम अ गर्ल आपके आप लड़के हो आप देख रहे हो किसी लड़की को तो आपके हिसाब से रेड फ्लैग्स क्या होंगे मतलब उस लड़की के अंदर की वो क्या क्या कर रही है यार मतलब अब डिपेंड करता है कि वट आर यू लुकिंग एट फॉर अगर तुम्हें रियली डेट करना है या तुम्हें बस कैजुअल चाहिए कैजुअल चाहिए तो तुम्हें रेड फ्लैग्स की इतनी ज्यादा टेंशन हो कैजुअली no, हाँ, right? uh, I mean, तो अगर, अगर एक लड़की को मेरे को पसंद है वो देन इट्स एंड अगर मेरे को बहुत पसंद है अगर वो लड़की मेरे साथ ना थोड़ी uh, क्या बोलते हैं इफ शी इज गॉट गुड एनर्जी लाइक वो मेरी एनर्जी मैच कर रही है मैं या फिर इतना भी मैं जोक्स रहा वो हंस रही है ना और वो डांस कर रही है मेरे साथ शी इज गॉट गुड एनर्जी पॉजिटिव टाइम है कि मुझे पता मैं दो घंटे से स्पेंड करूंगा वो दो घंटे रहेंगे

लड़के ना बहुत ईगो में होते हैं एंड नैचुरली पंद्रह साल पहले जब मैं स्कूल से बाहर था कॉलेज में था मेरे को भी यही था भाई यार, कि यार, और अगर तुम थोड़ा सोचते हो भाई ये मेरे साथ ऐसे सेक्स कर रही है ऐसी इमेजिन शीज बेंट ओवर ऑन द बेड एंड इज मोर तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड इमेजिन नहीं कर सकते भाई ट्रॉमेटाइज हो, हो, हो जाते हो और ऐसे होता है कि नहीं यार ये नहीं करना है

सेकंड एज अ मैन बड़ा मर्दानगी पे लगता है कि नहीं यार ये बंदा अब जैसे सिकंद को एक बंदी ने डेट कर, कर मेरे पास मैं, मैं, मैं तो पतला <laughs> सिकंद के बाल भी है यार. <laughs> ये <में से> <laughs> तो मेरी इज्जत ही डाउन हो जाएगी फिर लगेगा चार लौंडे लेके इसको इसको पता नहीं मैं क्यों पिटने मेरे को क्यों धमकी आ रही है बट ये बड़ा हो जाता है ना अवेयरनेस से देखे तो नाउ वेन यू लुक एट अर्लव ना पॉइंट इज दैट इन जो ट्वेंटीजेंटीज में होते हैं एवरी वन इज स्लीपिंग अराउंड एंड एंड देयर विद राइट उस एज में पीपल आर एक्सप्लोरिंग एंड इज वेरी नॉर्मल बिकॉज अगर हम भी लड़की होते ना और हमें बोला जाता आपको फ्री में हम दुबई ले जाएंगे आपको फ्री में इधर ले जाएंगे मैं आम, इंडियन क्रिकेटर्स और रैपर्स आपके डीएम में आ रहे हैं सब घूमना चाहते हैं फ्री में तुम्हें गुची का बैग चाहिए चाहिए भाई चाहिए तेरे को नहीं चाहिए गुची की जैकेट मुझे चाहिए दो <laughs> कोई नहीं दे रहा भाई हमें हमें मिलता नहीं है फ्री में फेवर्स मिलते हैं सब कुछ फ्री में मिलता है वैलिडेशन मिल रही है तुम जाके ट्रैवल कर रहे हो सब फ्री में मिल रहा है एवरीबडी डज दैट यार तो वो जो एज होती है ना वो एज ही वो होती है दैट पीपल आर एक्सप्लोरिंग नाउ दैट डिपेंड्स हाउ मच यू एक्सप्लोर्ड हैव यू बिन विद लाइक फाइव सिक्स पीपल एंड यू यू जस्ट एट दैट फेज वायर यू प्रोमिसक्यूज अगर एक बंदी चार पांच साल से डेट कर रही है ना एंड शी गेट्स आउट ऑफ इट शी विल स्लीप अराउंड विद द कपल ऑफ गाइज ठीक है और वो ना अगर मुझसे तुमसे पूछा हम नी गैद शी बी लाइक फाइव बट वो मेरे पांचों बॉयफ्रेंड हैं तो जो दो तीन लड़कों के साथ शी हैज हुक्ड अप विद या मे बी पांच दस और है दैट हैजेंट काउंट तो तुम्हें बताएगी नहीं कभी सो एंड इसलिए कभी पूछना भी नहीं चाहिए सो एनी ऑफ वर इन द प्लेस ऑफ द गर्ल वी वुड हैव स्लेप्ट मेनी मोर पीपल अभी एज अ मैन खुद ही सोचो अगर हमें लड़कियां मिल रही होती द अमाउंट ऑफ स्लटीनेस वी वुड बी डूइंग वो तो लॉन्डो को लड़िया ही नहीं मिलती हैं कौन लड़का मना करेगा भाई रोस तुम्हें नई लड़की चाहिए हाँ चाहिए भाई कौन मना करेगा बोलेगा नहीं यू डोंट वांट टू हैव सेक्स विद द न्यू गर्ल रोस बंदे नई बंदी देख है दे <laughs> ना <laughs> तो नई बंदी लेंगे भी भाई ठीक है दूध का दूध पानी का पानी है सिंपल सी बात है बट वुमेन बीइंग इन दैट पोजीशन दे कैन स्लीप विद अ न्यू गाय एवरी डे बट डू दे डू दैट नहीं तो उस लेवल में भी ना देर स्टिल इन अ कंट्रोल एंड आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग फॉर देम टू एक्सपीरियंस सर्टन थिंग्स एंड देन इफ दे डिसाइड टू टू गेट मैरिड ऑफ कोर्स इफ स्लेप्ट अराउंड विद विद्पी पीपल एंड एक रूम में चार लोग बेडर्स इज अप विद ऑल फोर ऑफ देम एंड देन वन ऑफ अस डिसाइड्स टू डेट हर वो नहीं वो थोड़ा ज्यादा है ठीक है बट बहुत बड़ा रेड फ्लैग वो बहुत वो बहुत ज्यादा हो जाता है बट इट्स ओके यू इट्स वेरी नॉर्मल टू एक्सपेक्ट समबड टू हैव बिन एक्टिव एंड बिन विदन एल्स अब बात हुआ कि जैसे सिकंद की गर्लफ्रेंड है मैंने बोला यार ये बहन जो तो बॉडी वाले बंदी की गर्लफ्रेंड है मुझे डेट कर रही है तुमने बंदी को डेट करना स्टार्ट करा उसने बोला मेरे एक्स बॉयफ्रेंड देखो और भैया तो सारी इनसिक्योरिटी आ गई है ठीक है कि यार ये मेरे से अच्छा दिखता है इसकी बॉडी अच्छी इसके बाल ऐसे है फेमस भी है मेरे से बातें भी ऐसी करता पूरी एकदम बहुत बहुत बुरा लग गया दिमाग में ठीक है बट अगेन अब इसमें हमें यह समझना है कि यार वेन द गर्ल इज विद यू देन शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स हमारी इनसे है वो हम सोच रहे हैं अपने आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ बट लड़िया नहीं कर रही होती है एफ शीज इन लव विद यू शी इज सो प्रेजेंट इन दट मोमेंट दैट शी इज इन लव विद यू यार वो नहीं सोच रही है वहाँ पे

कॉन्फिडेंस का सीन ही वो है दैट यू नो यू फर्स्टली यू गॉट ऑ स्टॉप बिलीविंग दैट अ लीग दैट एग्जिस्ट ठीक है कि कोई लीग नहीं है एक बंदी है जिसको तुम्हें बात करनी है हाउ यू मेक इट हैपन डिपेंड्स वो बात की बात है बट पहले ना लड़के ना अपने आप को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं अप्रोच करने के पहले बाई दीज थिंग्स कि यार मैं अच्छा नहीं देखता हूँ ये लड़की के पास तो अमीर लौंडे हैं इस पर पैसा इतना है इतनी फेमस है मेरे पास तो आएगी नहीं आधे बंदे वहीं छट जाते हैं ठीक है एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगता है तुम छट जाओ भाई मेरे लिए और ईजी हो रहा है ना कॉम्पिटिशन का मेरा रास्ता साफ हो रहा है

सो वन आई स्टार्ट लर्निंग गेम एन आई स्टार्ट गोइंग आउट और मेरे को अपनी डेटिंग पर काम करना था मेरे को वो लड़ियाँ नहीं चाहिए थी जो मुझे ऑलरेडी मिल रही हैं यार आई वॉन्टेड द गर्ल्स दैट जो एक एस्पिरेशन थी लाइक मे बी अ वेरी अट्रैक्टिव गर्ल और मे बी सामान जिसके साथ मेरे पर्सनैलिटी मैच है मुझे वो बंदी सही में पसंद है वही तो चाहिए ओनली देन इज इट वर्थ इट और एवरी थिंग दैट वी टीच है जो भी हमने बात करी मैंने वही सोच के बताई है बातें कि तुम उसी लड़की पे जा रहे हो जो तुम्हारी तुम्हें लग रहा है तुम्हारी औकात के बाहर है एंड वो स्टार्ट वहीं से होता है पहले अपने आपको रिजेक्ट मत करो उसको जाके अप्रोच करो पहली अप्रोच जब करोगे आई एम नॉट आई डोंट थिंक इट्स गॉट अ वर्कआउट अगर वर्कआउट कर गया तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं करा तो डोंट थिंक कि एक ही लड़की है पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए लुक एट दिस एज लाइक द बेस्ट डेटिंग एडवाइस इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड ट्राई एंड गेट गुड विद गर्ल्स इन जनरल एंड देन यू विल फाइंड दैट गर्ल जो तुम्हें सही में पसंद है और जो सही में उतनी अट्रैक्टिव है इसके जो फैंस हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा राइट टाइम टू गेट मैरिड राइट टाइम टू गेट मैरिड सबका अलग होता है भाई लाइक yeah. like, मेरे काफी दोस्त हैं वो गॉट मैरिड है दिए जो ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर एंड एवरीथिंग और उन्होंने अरेंज मैरिज भी करी है ऑल दो अरेंज मैरिज का नहीं समझ आता यार मुझे बड़ा ना मतलब आई फील कंट्री में अरेंज मैरिज जरूरी है लेकिन इफ आई टॉक टू मैन मतलब कैसे ही तुम कैसे ही बोल रहे हो कि यार माँ बाप ने सब दिला दिया तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया अब तुमसे एक लड़की भी नहीं फट रही है वो भी माँ बाप ही ले गए और लाइक व्हाट व्हाट काइंड ऑफ अ मैनली थिंग इज दैट टू डू भाई एक बंदी तो ढूंढ लो यार एक लड़की से बात तो कर लो

तो लड़कियों को मेनली प्रॉब्लम इसलिए होती है वो आए घर पे और वो अपनी माँ के पल्लू में ही सुभा है सो ही इज नॉट बिकम इज ओन मैन ओनली तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं तो आई थिंक उस केस में अगर लड़की नहीं शादी कर रही उस बंदे को बोलना चाहिए अगर उसके नॉन नेगोशियेबल है कि उसको पेरेंट्स के साथ ही रहना है तो भाई फाइंड अ गर्ल दैट इज अग्रीएबल ऑन दैट और अगर उस केस में लाइक अगर दिस वट यू इज़ जो मेरे को समझ आ रहा है कि गर्लो सब कुछ चाहिए बट ये शादी के लिए कुछ आ, आ जाएंगे वहाँ पे आ जाएंगे जो अरेज मैरज में नहीं आएंगे हम पहले बोलते हैं इस लोकेशन में को रहने जहाँ पे अब रहते हो यार वो भी है बहुत सारी चीजें तो बट वो तो अरेंज मैरिज में भी बोलेंगे ना नहीं आ नहीं रहना मुझे क्या बताओ लड़की मान जाए लड़की मान भी जाए लेकिन लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी है अरेंज मैरिज में सपना सुशील दिखा, दिखाते हैं अपने आपको ठीक है जैसे वेलकम वाला सीन था उदय शेट्टी वाला कोई उदय शेट्टी नहीं है सब सुंदर सुशील तो भाई देखो बात वही है द गर्ल्स दैट थिंक हैव रेड फ्लैग्स इनमें दिक्कत है उनके रिश्ते भी तो कहीं जा रहे हैं उनको रेड फ्लैग नहीं दिख रहे हैं क्यों क्योंकि सच्चाई तो तुमने देखी है तो आई एम नॉट श्योर की अरेंज मैरिज के टाइम पर तुम कितनी सच्चाई लड़की की परख पाते हो तो अगर तुम पहले डेट कर लो लड़की को एंड देन यू कैन फिगर थिंग्स आउट तो वो सही है यार तो इज द राइट टाइम टू राइटे मतलब जब तुम्हें लगे यार वही ठीक है मोस्टली um, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यार जब तुम पहली लड़की से मिले उसी से शादी कर ली तुमने uh, एकदम से थोड़ा वेट कर लो यार बिकॉज yeah. हाँ जानो एक महीने में शादी मत करो तीन साल तो आई थिंक कम से कम डेट करो लड़की को एंड देन देन थिंक अबाउट इट भाई मैंने मैं तो बत्तीस का हो गया मेरी अभी तक शादी करने के मेरा मन नहीं कर रहा है तो मे भी करने वाले हो मे बी समाइम्स हूँ नेक्स्ट कपल ऑफ योर्स बट uh, अभी तक तो नहीं है तो आई नो अ ऑफ गाइस जो पच्चीस छब्बीस में भी शादी कर रहे हैं अगर उनके लिए ठीक है तो करने दो यार बट मैं तो भाई डेटिंग कोच को अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू 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 नो इफ ही और शी इज राइट फॉर भाई डोंट ना विल विल हैव टू बी विद द गर्ल वही तो तीन साल जो हमने डिस्कवर करेगी तीन साल डेट करो तब समझ आता है ना तो तो उससे में देखो कैसे रिएक्ट करती है हाँ कि कितना कलेश है भाई दो टेस्ट बहुत सही होते हैं एक होता रोड ट्रिप टेस्ट एक होता ट्रैवल टेस्ट तो टेस्ट ही अगर वीडियो, में था। बोला था क्या? वीडियो में बोला थार sure, याद नहीं है वहां असली रूप निकल के आएगा फिर आपका करना चाहिए भाई तीन साल फिगर आउट कर लो यार जितना तुम मेरे हिसाब से जितना तुम पहले फिगर आउट कर सकते हो शादी के पहले उतना बेटर रहता है शादी के बाद क्योंकि सरप्राइजेज नहीं होते हैं वहां पे राइट छोटी छोटी आदतों से लोग परेशान होने लग जाते हैं अगर तुम लेवन में हो तुम्हें पता है यार की एज अ मैन अगर मैं अपना तौलिया जमीन पे फेंक रहा हूँ तो मैं फेंक रहा हूँ ना भाई बट एक लड़की का वो नॉन नेगोशियबल है की जैसे जैसे मेरे नॉन है भाई रूम में सिगरेट नहीं पीनी है hmm. और कोई नहीं लड़की आई बोले नहीं मुझे रूम में सिगरेट पीनी है तो भाई पहले मैं डेट कर लूंगा मैं फिगर आउट कर लूंगा ना कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है तो कई चीजें ऑफलोड हो सकती हैं शुरू में आई थिंक इट्स कूल तो लास्ट इंस्ट फिगर वाला क्वेश्चन शुड आई चूज माई गर्लफ्रेंड ओवर माई वर्क ओवर योर वर्क

राइट right, थोड़ा फोन पे बात कर रहे हो थोड़ा मिल रहे हो um, नहीं तो घंटे काम कर रहे हो एक दो घंटे काम कर लो यार योर गर्ल फ्रेंड डीड समाइम वही तो और वो बैलेंस है ना दैट्स नॉट चूजिंग ओवर समथिंग लड़कों को लगता है पंद्रह बीस घंटे काम कर रहे एक घंटा भी कम हो गया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ ऐसा थोड़ा है यार. बैलेंस भी ना प्रॉपर नहीं होना चाहिए एट्टी ट्वेंटी भी हो जाए ना तो भी ठीक है हमेशा एक इक्वल बैलेंस नहीं होता है चीजों में किसी कई चीजों को मोस्ट इन मोस्ट टाइम इन योर लाइफ तुम ज्यादा टाइम देते हो उन्हें। जैसे तुम लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, योर पॉडकास्ट विल टेक मोर टाइम देन अदर थिंग्स राइट right, जैसे मैं बिजनेस बिल्ड करूँ मैं बिजनेस टेक्स अ लॉट मोर टाइम देन माई फिटनेस और माई गर्लफ्रेंड डज नॉट मीन मैं उसको हंड्रेड परसेंट इग्नोर करता हूं तो अस्सी परसेंट टाइम मैं अपनी जिस सीजन में मैं हूँ अभी मैं एक बिल्डिंग सीजन में तो बिल्ड करने में टाइम दूंगा बट ट्वेंटी परसेंट मैं बाकी चीजें डिवाइड कर लूंगा ऑफकोर्स सर्टन थिंग्स विल टेक अ बैक सीट जैसे मैं आप लड़कियों को भी समझनी चाहिए बिल्कुल उन्हें भी समझनी चाहिए एंड आईडियली बेस्ट है तुम वो लड़की को ढूंढो जिनको बातें समझ आ रही हैं अगर वो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही है नहीं तुम तो मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करो तो भाई क्या मतलब बच्चा पाल रहा क्या मैं मैं <laughs> 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 like यार काम करना है अपना पूछना था वॉट हैज बिन योर बिगेस्ट स्ट्रगल इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेटिंग के में या फ्रॉम यू बिकमिंग पर्सन पर्सन जो लड़का था कॉलेज में जो बहुत ही yeah. ऐसे सहमा सहमा सा रहता yeah. था या फिर यू कूडन टॉक टू गर्ल्स फ्रॉम दैट एनर्जी टू दिस राइट नाउ लाइक फुल ब्लोन एकदम कॉन्फिडेंट एंड नॉट सो हैज वट योर बिगेस्ट स्ट्रगल बिगेस्ट स्ट्रगल तो वही जो पहला इंसिडेंट था ऑफ अप्रोचिंग द गर्ल राइट की शुरू के डेज में जितनी फटती थी लड़की को अप्रोच करने में वो ओवरकम करना सबसे ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसके आगे तो चीज़ें ओवरकम हो ही गई थी यार वो पहली अप्रोच ही नहीं हो पाती मोस्ट ऑफ द पीपल्स है ना वो वहीं पे फंस जाते हैं और बहुत फटती है पता नहीं होता कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा बट जब तुम अप्रोच करते हो ना कुछ इतना बुरा होता नहीं है सो आई हैव डन लेट्स से वो 10, अप्रोचेस, और कभी इतना बुरा नहीं हुआ कि मैं पिटा हूँ मेरे मुंह पर ड्रिंक आई है या मुझे पुलिस पकड़ के ले गई है वही वर्ष किनारे होते हैं या बहुत ही ज्यादा बेस्ती हुई है नथिंग लाइक दैट इज हमारा दिमाग हमें उसमें फंसा देता है वो फेयर होता है कि मतलब कि भाई ये मेरे बारे में ऐसा सोचेगी हाँ हाँ तो वही ओवरकम करना ना एंड टू जस्ट यूज दैट इन माई एंटायर लाइफ क्योंकि वो एक बार मुझे लगा कि यार यहाँ पे ये इसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसको ओवरकम करते हैं आई फॉट दैट अगली बार हुआ कि मैं डेट पर हूँ एक लड़की के साथ वो सेम फीवर आया आई नो दैट शी वॉन्ट्स मी डू किस और वो मोमेंट आ गया कि मेरे को किस करना है बट लग रहा है ये रिजेक्ट कर देगी मना कर देगी ये बोलेगी नहीं ऐसे नहीं है तो वो ओवरकम हुआ फिर उसके आगे जब हम डेट कर रहे हैं तब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई फिर जब मैंने डिसाइड करा कि मेरे को ये सिखाना है प्रोफेशनली यूट्यूब पर डालना है वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था बट पॉइंट हमेशा वही था कि यार जो मैं अभी फील कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता है वॉट मैटर्स मॉर इज़ वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट टू अचीव इफ आई वॉन्ट टू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट अगर मुझे लड़कियों से बात करना सीखना है मुझे अट्रैक्शन बिल्ड करना सीखना है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे यूट्यूब करना है तो रास्ते में कुछ भी चीजें आ जाए दे डोंट मैटर द द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज गोल जर्नी में तो दिक्कतें आती रहेंगी तो उधर जज ना करें और आगे बढ़े तो वो एक चीज जो वहां पर हेल्प करी ना वो आज भी काफी जगह हेल्प करती रहती है तो मैं सोचता नहीं हूं कि मैं कब अनकंफर्टेबल हूँ मैं बस गोल के तरफ ध्यान देता हूँ कि ये करना है तो ये कर लेते हैं गोल बस गोल ओरिएंटेशन तो ये ओर आयरन मैन लाइफ है लोगों को कोच करना मतलब हाँ कितना ज्यादा डिफिकल्ट इन देंस कि मतलब यू यू आर टीचिंग पीपल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एंड फ्राम वॉटी ऑफ स्टडीड ऑब्वियसली ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया यह सब हो गया बट इतनी सारी वेरिएबल्स हैं इतने सारे फैक्टर्स हैं उसको कंसॉलिडेट करके उसमें से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके कैसे अप्रोच का एक या फिर मतलब आई डोंट नो फ्रेमवर्क बनाना स्ट्रक्चर बनाना तो हाउ डिड दैट कम टू बी पूरा यार एक तो बिकॉज एवरी थिंग आई नो अबाउट डेटिंग हैज़ कम फ्रॉम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आया कि मैंने चार्ट जी पी टी से पूछा अच्छा एक आर्टिकल बना दे टॉप फाइव थिंग्स टू टॉक टू गर्ल अबाउट या ब्लॉग पोस्ट से नहीं आया और इवन नाउ वन यू रीड ब्लॉग पोस्ट या जो एडवाइस चार्ट जी पी देता है ना उसमें तीन चार एडवाइस ठीक होती हैं अगर तुम दस चीज़ें मांगोगे पाँच है उसमें खराब ही निकलती हैं तो कई चीज़ें जो थ्यूरेटिकली अच्छी लगती हैं सुनने में जैसे लोग बोलते हैं भाई पैसा कमाओ लड़कियाँ आ जाएंगी सुनने में बहुत सही लगता है यार बॉडी बनाओ लड़कियाँ आ जाएंगी बट असली में फिर फिगर आउट होता है कि नहीं यार इसके आगे भी थोड़े काम हैं जो हमें करने हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी में बड़ा डिफरेंस है सो एवरीथिंग आई नो हैज बिन लर्न फ्रॉम दैर एट द सेम टाइम जो दो हज़ार सोलह से हम लड़कों को सिखा रहे हैं तो वहां पर हमने और सैम्पल साइज बड़ा कर दिया है दोस्तों को मैंने सिखाया था दोस्तों को सिखा रहे हैं और फिर अब जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं ट्वेंटी सिक्सटीन से अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आ रहे हैं सो वन वी टीच द न्यूअर थिंग्स वी फिगर आउट कि यार ये इसके लिए बेटर वर्क कर रहा है ये नहीं कर रहा है इसको यहाँ ट्वीक करते हैं तो वो करके फिर फाइनली फिगर आउट हुआ है वी कैन हैव फ्रेमवर्क्स बट यार थ्योरी ना कभी भी उतना हेल्प नहीं करता जितना प्रैक्टिकलिटी हेल्प करता है लाइक इफ यू टॉक गोइंग टू द जिम भाई हम कितनी भी बुक्स पढ़ ले जब तक हम जाके वेट उठाना स्टार्ट नहीं करेंगे no like, yeah. like कर लो बट कुछ करो तो सही वंस यू हैन यू कैन ऑप्टिमाइज थिंग्स तो यहाँ पर भी मैं यही बोलूंगा तुम लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट करो हमारी मेरी वीडियो चेक करो और वहां पर कुछ कुछ चीजें सीख के उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो एंड अलॉन्ग वे